दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर आप भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत कमाल के होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो ट्रैक्स मैं आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करना चाहता हूँ वो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो ये फर्स्ट टाइम जो है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आप भी व्हाट्सएप पसंद करते हैं तो इसके लिए ये जो ट्रैक्स है दोस्तों, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, वरना आपकी व्हाट्सएप जो है ना कोई और देख सकते हैं और आपकी जितनी भी चैट्स है ये सब जो है ना एक्सपोज हो सकती है। तो इसके दोस्तों आपने करना क्या है, किसी गर्ल के साथ या अगर आप कोई लड़की, अगर आप कोई बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हैं या कोई भी इस तरह के आप पर्सनल कन्वर्सेशन किसी के साथ करना चाहते हैं, और उसी दौरान अगर आपका कोई भाई कोई भी अगर आपको कहे कि मुझे मोबाइल दे, तो वो चुप चुप के जो है ना आपकी व्हाट्सएप ऑन करे तो आपकी चैट वो पढ़ सकता है। तो आज की वीडियो में जो मेन ट्रैक है सबसे पहले वो ये है कि आपने कन्वर्सेशन को कैसे हाइड करना है, ताकि अगर कोई आपके व्हाट्सएप ऑन भी करे तो वो कन्वर्सेशन नज़र ही ना आए। तो इसको आपने कैसे हाइड करना है ताकि आपकी व्हाट्सएप जो है ना सिक्योर और सेफ रहे। तो दोस्तों, इस ट्रिक्स का एक फ़ायदा ये भी है कि इसको आप दोबारा से भी अनहाइड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए कि ये वाला जो कन्वर्सेशन है, ठीक है, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ। तो इसको मैंने कैसे हाइड करना है और दोबारा इसको मैं अनहाइड करना चाहता हूँ, तुम्हें किस तरह के कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने जो है ना इस पर लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर लॉन्ग प्रेस करें तो इसके बाद ऊपर आपको ये डॉट नज़र आएगा, ठीक है, जिसका एरो नीचे की तरफ है। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया दोस्तों, आप देख सकते हो वो चैट बिल्कुल गायब हो गया। अब इसको दोबारा से मैंने अनहाइड करना है, तो मैंने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने अपना मोबाइल किसी दोस्त को दे दिया और उस टाइम आपने ये चैट को हाइड किया। अब दोबारा आपने मोबाइल अपने दोस्त से लिया और इसको अब दोबारा से अनहाइड करना चाहते हैं, तो आपने वो किस तरह की करना है, आपने व्हाट्सएप जस्ट ओपन करना है और इसको इस तरह के स्क्रोल करके नीचे आना है, बिल्कुल एंड पे आना है, ठीक है। जैसे आप एंड पे आ जाए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा, ये वाला, जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं कि इसके बाद दोबारा से आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो ये यहाँ से दोबारा से ओपन हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह के आप जो है ना इसको दोबारा अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा ट्रिक है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ओवरऑल और व्हाट्सएप की जो है ना कन्वर्सेशन को हाइड करना चाहते हैं तो आप किस तरह की कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत सारे दोस्तों के साथ पर्सनल बात करना चाहते हैं और एक एक हाइड करना आपके लिए मुश्किल है, तो आप ओवरऑल जो है व्हाट्सएप में जितनी भी कन्वर्सेशन है ऊपर से बिल्कुल एंड तक, तो इसको आप टोटली हाइड कर सकते हैं। अगर आपका व्हाट्सएप कोई ओपन करे तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो ये सेटिंग आपने किस तरह की करना है, इसके लिए आपने दोस्तों यही तीन डॉट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपने ये चैट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है और चैट हिस्ट्री पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप चैट हिस्ट्री पे क्लिक करें तो इसके बाद दोस्तों आपने क्लिक करना है अर्ज ऑल चैट पे। तो दोस्तों, जैसे आप इस पे क्लिक करें तो आपने ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद मैं चलता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कुछ भी शो नहीं होगा, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको दोबारा से मैं ओपन करता हूँ, और सब मैंने ओपन किया तो ये आप देख सकते हैं, दोबारा से मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक। तो मैंने ओपन किया, देखिए दोस्तों कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, सिर्फ 110 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप अगर अभी दोबारा अनहाइड करना चाहते हैं तो ये आप किस तरह की कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने दोबारा से इस तीन डॉट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सेटिंग वाला ऑप्शन पे जाना है, और इसके जाने के बाद दोस्तों आपने दोबारा से चैट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे आना है चैट हिस्ट्री पे। जैसे आप इस पे क्लिक करें तो इसके बाद आपने यहाँ से इसको करना है अन अचीव, ठीक है। तो इस पे जैसे आप क्लिक करें तो इसके बाद दोबारा से ओके पे क्लिक करना है। अब जो है ना मैं चलता हूँ और मैं आप लोगों को दोबारा से इसको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि दोबारा से सब कुछ शो होने लग गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ट्रैक्स है दोस्तों, वो भी बहुत अमेजिंग है, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ।
दोस्तों जो दूसरा बहुत अमेजिंग ट्रिक है वो ये है कि अगर आप किसी के साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं और उस टाइम अगर आपकी इंटरनेट स्लो है और आपको शो हो रहा है कि पोर कनेक्टिविटी, तो उसके लिए आपने कौन सा ट्रिक का यूज़ करना है ताकि आप बिल्कुल क्लियरली स्मूथली किसी के साथ वीडियो कॉल पे बात करें बिना पोर कनेक्टिविटी। तो इसी के लिए आपने करना क्या है, आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है, इसके बाद सेटिंग वाला ऑप्शन पे आपने जाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद जो है ना आपने क्लिक करना है इसी वाला ऑप्शन पे, 1 मिनट, ये जो स्टोरेज एंड डेटा लिखे हुए आपने इस पे जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करें तो इसके बाद आपने ये वाला ऑप्शन ये हो इसको यहाँ से ऑन करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ से ऑन करें तो इसके बाद अगर आप किसी के साथ तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे बात करते तो आपको ये शो नहीं होगा कि पोर कनेक्टिविटी, ठीक है, और आप इजीली बात कर सकते हैं स्मूथली वीडियो कॉल पे। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है वो भी बहुत अमेजिंग है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों ट्रैक्स कुछ यूँ हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी थीम मुझे इस तरह की नज़र आ रही है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पिक्चर आप इधर लगा सकते हैं जो आपको पसंद होता है। तो ये ट्रैक्स आपने कैसे करना है, ठीक है, इसके लिए आपने जाना है दोबारा से, इन 3 डॉट पर क्लिक करना है, इसके बाद सेटिंग पे जाना है, ठीक है दोस्तों। सेटिंग पे जाने के बाद आपने क्लिक करना है ये जो चैट है आपने इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद आपने वॉलपेपर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो दोबारा से आपने ये चेंज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी पिक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप डिफॉल्ट वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आपको और पिक्चर देखने को मिल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ये वाले दोबारा से लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको जो भी पसंद हो तो आपने उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये वाला मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो सेट वॉलपेपर पे आपने क्लिक करना है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके वॉलपेपर हो गया है सेट, ठीक है। तो जैसे ये वॉलपेपर सेट हो जाए तो उसके बाद आपने दोबारा से बैक जाना है, और अभी मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ इसी वाला ऑप्शन पे, ठीक है। तो इस पर मैंने पहले जैसे क्लिक किया तो मुझे डार्क शो हो रहा था, ठीक है। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि इसकी वॉलपेपर चेंज हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह की बहुत यूनिक ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल टेक्निकल जानकारी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेगी। तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।